अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फोटोशॉप के डार एजुकेशन में वंस अगेन खुश आमदेद। आपका इंस्ट्रक्टर सैफुल्लाह डार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फोटोशॉप का तीसरा सेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पहले वाली जिस तरह हमने लास्ट में देखा था जहाँ तक, तो उसको डिलीट किस तरह से करते हैं। तो डिलीट के लिए देखें, यहाँ पर आपका ई रेजर का टूल होगा। ई रेजर के टूल पर क्लिक कर दीजिए। इरेजर के टूल पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगा ऑप्शन, उसमें आपको कई तरह से साइजेस मिलेंगे इसके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये साइज बड़ा, छोटा, दरमियाना, उसके हिसाब से पेंसिल, फॉर एग्जांपल जो आपको साइज रिक्वायर्ड है आप उसको साइज को क्लिक करें। अच्छा, अब मजे की बात ये कि आप इस पर करना चाह रहे हैं, आपका इरेज नहीं हो रहा, आप बड़े परेशान हैं। यहाँ पे फोटोशॉप में जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो बेसिकली एक नई लेयर बनाता है। आपने जो डिलीट करना है आपको पहले उस लेयर पे जाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेयर है, अब इसका मतलब ये है कि मैं इसको, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, और उसके मुताबिक यहां से इस टूल को लूंगा, और फिर मैं उसको डिलीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि ये उस लेयर पे नहीं थी ना, तो उसने बाकी तस्वीर को आपकी जाया होने से बचा ली। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप ये काम कर रहे हो, अब जैसे ये आपने करना है, बकाया सबको ऑफ कर दो ताकि आपको ये मुश्किल पेश ना आए कि कौन सी चीज पे मैं डिलीट करना चाह रही हूँ या चाह रहे थे। अब ये मुझे पता है कि ये मुझे सिर्फ इस कैनवस पे मेरा ये चीज इसके अंदर है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा, तो पहले मुझसे वो करेगा कि भी मस्ट भी। और फिर एक याद, ये याद रखना है आपने कि ये बाहर से कभी डिलीट, उसको पूरे कैनवस के अंदर आपने फिर उसके मुताबिक कीजिए। ये अगर आप इसको कंट्रोल जी करेंगे तो इधर वापस आएगा, कंट्रोल आल्ट जी करेंगे तो वापस शेप आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसी के अंदर, इसके अंदर कई ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मोड में आ जाएं, ब्रश आप नहीं चाहते थे, आप पेंसिल चाहते थे, पेंसिल की तरह उसको करना चाह रहे थे, और ओपेसिटी इसकी कम करना चाह रहे थे, इसकी थोड़ी सी कम करना चाह रहे थे। ये देखा आपने, ये जरा गौर कीजिएगा, ये इसने हल्का सा जैसे वो कहते ना मिटा के छोड़ दिया था थोड़ा सा, कि क्या है आपने देखा कि मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने माउस छोड़ के इधर आपने उठा के दोबारा से शुरू की तो वो उसी जगह से एक करेगा। ये देखें, आप देख रहे हैं कि जब मैंने दोबारा दो दफा, तीन दफा, तो एक ओपेसिटी हर दफा कम कर रहा है। कंट्रोल आल्ट जी करेंगे तो ये वापस आ गया। ओपेसिटी से मुराद आपकी बेसिकली, ये मैं शेप वापस दे के आ रहा हूँ, ओपेसिटी से मुराद क्या है, उसकी कलर कलरिंग आपने जो कम कर रहे हैं वो हल्की कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक ये लेके आए। ये ओपेसिटी को मैं फॉर एग्जांपल ज्यादा रख देता हूँ, अब क्या होगा, ये ज्यादा खत्म करेगा, हल्का करेंगे तो अब ओपेसिटी मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 23, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा गहरा कर रहा, इसकी ओपेसिटी मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब आपके लिए एक नई से नई सूरत हाल पैदा होती जा रही है। देखिए एक नया डिज़ाइन, यू विल बी क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इंशाल्लाह ताला सबसे पहले आपने ये ध्यान रखा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा ना, ये वाली तो मैं इसको ऑफ कर लूंगा। अब इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये सबसे पहले इरेज बिकॉज द टारगेट लेयर इज हिडन कुड नॉट यूज, तो वो आपसे कहता है कि ये जो आपने किया ये हिडन है, जब तक आप इसको विजिबल नहीं करेंगे आप ये वेरिएबल्स नहीं होंगे, ये कुड नॉट यूज द इरेजर्स, आप उसको इरेज करें। आई होप आज